आज जो है हम अपने चैप्टर नंबर 5 का लास्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने जो चीज़ देखनी है दैट इज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स या डिफरेंट रूल्स थ्रू विच वी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन दी सब शेल्स ऑफ दी एटम्स। तो ये हम डिफरेंट रूल्स को इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है डिफरेंट एटम्स के उनके सब शेल्स के अंदर तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, या इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो रूल है विच इज़ वेरी बेसिक, वो ये है कि जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे कि एस ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, इसी तरह डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर एंड अदर्स, ये जो चीज़ें हम पीछे अपने क्वांटम नंबर्स में इनको स्टडी करके आए हैं, इनके अंदर इन तमाम सब शेल्स के अंदर दे कैन हैव द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। एक सब शेल के अंदर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं आ सकते हैं। तो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट एक सब शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक ऑर्बिटल के अंदर दैट कैन बी टू, ये बेसिक रूल है। एंड सेकेंड रूल इज दैट किसी भी शेल के अंदर, शेल बेसिकली कौन डिफाइन करता था अगर आपको याद हो तो, शेल डिफाइन होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहा है जी कि किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो तो उनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2n² फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है मेरे पास जिसके अंदर n की वैल्यू 1 है तो वो k शेल होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n² के मुताबिक, 2 × 1 का स्क्वेयर तो 2। इसी तरह अगर मेरे पास अब सेकंड शेल है n की वैल्यू 2 एंड इट विल बी एल शेल, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एन की जगह जब मैं 2 पुट करूँगा तो दैट विल बी 8, 2 का स्क्वेयर 4 एंड 4 2 ज़ा 8। सिमिलरली थर्ड शेल की अगर मैं बात करता हूँ तो एन इज इक्वल टू 3 दैट इज एम शेल, 2n² 2 × 3 का स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 एंड 9 2 ज़ा 18। एंड सिमिलरली अगर मैं फोर्थ शेल की बात करता हूँ एन इज इक्वल टू 4 विच इज़ एन एन शेल, तो इसके अंदर 32 जो होंगे आपके पास, एन की जगह 4 जब पुट करूँगा तो 16, 4 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो जनरल फार्मूला है ये आपने जो है वो अपने जहन में रखना है। तो ये दो बेसिक रूल थे, और भी रूल्स हम आगे प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, लेकिन जो बेसिक रूल थे वो ये थे कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और किसी भी शेल के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना हो तो फिर जो है आप इस फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रॉन नंबर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपके पास जनरल दो रूल्स। अब हम चलते हैं उनके अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स की तरफ। अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स आर आल्सो फॉलो अ रूल, जिस रूल का नाम है जी एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। अब अगर मैं एक टेबल बनाऊं एन का एंड एल का, तो आपको पता है जब एन वन होता है तो एल की वैल्यू 0, जब एन टू होता है तो एन की वैल्यू 2 होती हैं, 0 एंड 1, तो दिस इज़ आल्सो 2। जब एन की वैल्यू 3 होती है तो इसकी 3 वैल्यूज होंगी, 0, 1 एंड 2, एंड सिमिलरली इट गोज़ ऑन। तो यहाँ पे एन प्लस एल का जो रूल है वो मुझे बताएगा कि इसके अंदर कितने जो से हैं आपके पास ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट क्या होगी। तो दिस विल बी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड इट विल बी 1s। सिमिलरली ये क्या होगा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2s। ये होगा जी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 एंड दिस विल बी दी 2p, क्योंकि जब l की वैल्यू 1 होती है n की 2, तो ये आपके पास p इलेक्ट्रॉन होगा, 2 तो इसके साथ इधर आएगा। यहाँ पर देखें 3 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 3। अब 0 जो l की वैल्यू होती है दैट इज़ फॉर s सब शेल, तो इट विल बी 3s। 1 जो है, 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3। और ये 1 जो है, ये वाला जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4, ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो spd है ये l की वैल्यू से निकलता है, l जब 0 होगा तो s, l जब 1 होगा तो p, l जब 2 होगा तो d। तो l1 है तो इट विल बी p। अब सिमिलरली ये होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड इट विल बी 4, 2, तो sd होगा ये सबशेल, और साथ इसके n, ये 3 आएगा। तो ये जो रूल है ये आपने याद रखना है, n प्लस l का जो रूल है, कि ये रूल क्या कहता है कि सबशेल जो अरेंज होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस l, n प्लस l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। तो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है जी सबशेल्स विल बी अरेंज्ड इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, एन प्लस एल। एन प्लस एल का जो आंसर आएगा उसकी इंक्रीजिंग वैल्यूज के लिए आपने जो है वो करना है। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि अगर आपके पास इफ एनी टू सबशेल्स हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू, अगर दो सबशेल की एन प्लस एल वैल्यू जो है वो सेम आ जाए, तो फिर जो फर्स्ट आएगा, जो पहले जिसको प्लेस करेंगे वो कौन सा होगा, दैट विल बी द दैट एन प्लस एल वैल्यू विद, जिसके अंदर आप एन प्लस एल की वो वाली वैल्यू लेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो फिर आप किसको देखेंगे, सॉरी इसको आप कैंसिल करें, इस तरह समझें कि अगर दो और सबशेल्स का जो एन प्लस एल वैल्यू है वो सेम आ गई है, तो फिर आप एन की वैल्यू को देखेंगे। एन की वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू होगी जिस एन प्लस एल के अंदर, एन की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, वो जो होगा विल बी प्लेस्ड फर्स्ट, वो पहले प्लेस करेंगे हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरह से देखें कि अगर एन प्लस एल रूल जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास एक तरफ था जी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और दूसरा था 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो एन प्लस एल का आंसर तो सेम है, तो पहले कौन सा आएगा जब मैं अरेंज करूँगा, तो पहले वो आएगा जिसके अंदर एन की वैल्यू छोटी है और वो ये वाला है। तो मैं इस वाले जोन से सबशेल को होगा, जोन सा भी spdf में से जोन सा भी सबशेल होगा, आई विल प्लेस दिस वन फर्स्ट एंड देन दिस वन। तो ये भी एक रूल है जो कि फॉलो होता है। तो अब जो जनरल अरेंजमेंट बनती है वो होती है स्कूल स्कूल, आप लोग जो पीछे अपने पढ़ के भी आए होंगे अपनी मैट्रिक क्लासेस में, आपको याद करने के लिए आसानी होती थी। आपने क्या करना है, s s p, sp d एंड sp d एंड f। अब
इसको आप इस तरह से देखें कि एस एक दफा, मतलब हर को, हर एक को आपने दो दफा लिखना है, एस पी एस डी पी एस और एफ डी पी एस। तो ये क्या होगा, एस इसको आप लोग प्रीवियस क्लासेस में याद भी करते रहे हैं अगर आपको वो तरीका बेहतर लगता है। स्कूल स्कूल दो दफ़ा, पब्लिक स्कूल दो दफ़ा, डिविजनल पब्लिक स्कूल दो दफ़ा, एंड एफ डी पी एस ये भी आप दो दफ़ा लिख लें। इसको मैं फिलहाल एक दफ़ा ही लिख रहा हूँ। अब आपने जब इसको नंबरिंग करना शुरू करनी है, एस को वन, पी को टू, पहले एस को वन, पहले पी को टू, पहले डी को थ्री और पहले एफ को फोर। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी नंबरिंग को बढ़ा देना है। एस एस सारे के सारे अब मैं नंबर करूँगा, वन एस ये था, ये टू, ये एस थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव, ये सिक्स और ये सेवन। अब पी की नंबरिंग को बढ़ाऊँगा, पी पहला टू था, थ्री फोर एंड फाइव। और अब डी की नंबरिंग को बढ़ाऊँगा, पहला थ्री था, इट विल बी फोर डी एंड इट विल बी फाइव डी, और ये वाला पी रह गया है लास्ट वाला फाइव पी और ये सिक्स पी। तो इस तरीके से अरेंज आपके पास जो सर्विस बनेगी वो ये होगी। तो आपको ये चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए, वन एस एस दो दफ़ा, पी एस पी एस दो दफ़ा, डी पी एस डी पी एस भी दो दफ़ा, इसको आप अरेंज कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये तो सारी पुरानी बात है जो आप करके आए हैं। अब जो चीज़ हमने देखनी है, जो रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के, वो बेसिकली तीन रूल्स हैं। नंबर वन इज ऑफबाउ प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास मौजूद, दे शुड बी फिल्ड इन सबशेल्स। ये सबशेल में इस तरीके से फिल होने चाहिए, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू। जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उसमें पहले बढ़ेगा, फिर उससे अगले में, फिर उससे अगले में, जैसे जैसे एनर्जी जो है इंक्रीज होगी, ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जैसे एनर्जी बढ़ेगी उसी तरतीब से आपने जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल 1s है, 1s की 1s 2s 2p 3s, इस तरह से जब मैं लिखूंगा इन सब को, सब शेल को अरेंज करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो इस तरह आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोफाइल ये है कि एनर्जी इस तरतीब में आगे बढ़ रही है, 1s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर 3p, इस तरह ये इस तरतीब में जो है बढ़ती जा रही है। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इसी ऑर्डर में फिल करेंगे कि पहले इसमें, उसके बाद इसमें और फिर उसके बाद इसमें, मतलब कि आपके पास जो है वो गिनती जो है वो तरतीब में चलनी चाहिए, वो आपके पास बढ़ती जाएगी, बढ़ती हुई एनर्जी की तरतीब में आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो ये पहला प्रिंसिपल था जिसको नाम दिया ऑफबाउ प्रिंसिपल। नंबर टू प्रिंसिपल इज दी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर वो कहता है जी कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। कह रहा है जी कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो उनसे दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मैक्सिमम दो ही आ सकते हैं, उसने कहा है कि उन दो ऑर्बिटल्स के अंदर जो उनसी है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल टू हैव सेम फोर वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर।
ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ऑर्बिटल में मौजूद है, तो उसके अंदर ये इम्पॉसिबल है उन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि उनके चारों के चारों जो उनसे हैं वो क्वांटम नंबर सेम हो। क्वांटम नंबर चार कौन कौन से हैं? एन, एल, एम एंड एस। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के ये तीनों तो सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन जो है वो कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर में हम पढ़ के आए थे कि आपके पास एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। और जब हमने इनको स्टडी किया था, इनकी केमिस्ट्री या इनकी हमने साइन देखे थे, तो हम जब टेबल में हमने समराइज़ किया था तो एक को -1/2 और एक को 1/2 हम लिखा करते थे। तो ये वैल्यूज़, इससे मतलब क्या पता चला? इससे जो चीज़ अखज़ की गई, या अगर मैं पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक नए तरीके से डिफाइन करना चाहूँ, तो इसका मतलब ये है कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल शुड हैव वट, इनका क्या होना चाहिए? दे मस्ट हैव द ऑपोजिट स्पिन। इनकी स्पिन हमेशा जो सी है वो ऑपोजिट होगी। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो उसकी स्पिन जो सी है वो ऑपोजिट होगी। अभी जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो आप दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये पी एक्स एक आपके पास ऑर्बिटल है, तो इसमें जब दो इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं तो हम इसको यूं लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि एक जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में। ये बेसिकली इसका साइन होता है अबाउट दी ऑपोजिट स्पिन का। तो ये हमारे पास रूल नंबर टू था, पॉलीज़ एक्सक्लूजन रूल। थर्ड वन इज़ दी हंड्स रूल एंड दिस इज़ दी लास्ट वन। ये रूल जो है ये कहता है आपके पास, इस रूल की डिटेल ये है कि वो कहता है अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इफ़ यू हैव डीजनरेट ऑर्बिटल्स एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड, तो मैं क्या करूँगा? वो कह रहा है जी अगर आपके पास एक ही एक मतलब कुछ डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आपने प्लेस करना है, तो आप उनको प्लेस करेंगे सेपरेट ऑर्बिटल्स में, सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रादर देन सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। अब इसका मतलब क्या है? कहता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं एक से ज़्यादा प्लेस करने हो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, तो फिर आप उनको सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन जो है प्लेस करेंगे, ना के सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, डी के जो हैं उनके अंदर पुट करना है। ये मेरे पास जो हैं चार बल्कि पांच जो हैं डी के डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कहता है कि बजाय इसके कि मैं इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को पुट करूं, रूल ये है कि मैं क्या करूंगा सेम स्पिन के साथ अलग अलग, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। तो मैं इस तरीके से पुट करूंगा कि क्या होगा कि दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रादर देन इन सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड है और मुझे पांच इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले मैं इसके अंदर एक डालूंगा, फिर इसके अंदर एक और फिर इसके अंदर एक विद सेम स्पिन। हाँ, अब मेरे पास दो बच गए हैं, पांच में से तीन मैंने फिक्स कर दिए, तो अब मैं यहाँ पे इसको फिलअप करूँगा।
तो जब मेरे पास एक से ज़्यादा डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे तो मैं सेम स्पिन के साथ उनको उसके अंदर प्लेस करूँगा, ना कि इस तरीके से उनको प्लेस करूँ। तो दीज आर द थ्री रूल्स जो कि अफबाउ प्रिंसिपल था, उसने कहा कि इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में प्लेस करना है। पॉलीज एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल ने कहा कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। और हंड्स रूल ने कहा कि अगर मेरे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और मुझे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुट करना है तो मैं सेपरेट ऑर्बिटल्स में पुट करूंगा विद सेम स्पिन, ना कि सेम ऑर्बिटल में विद ऑपोजिट स्पिन। तो दीज वर द थ्री जो उनसे हैं डिफरेंट रूल्स थे। अब हम अगर थोड़ी सी एक दो की प्रैक्टिस करें तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लिथियम, लिथियम इज थ्री, तो 1s एंड 2s। अब 1s के अंदर दो आएंगे तो ये तो टू लिख दिया, और 2s के अंदर एक, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। कार्बन 6, 1s, 2s एंड 2p। 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, दो और दो चार, पीछे बचे दो। तो अब मैं पी एक्स, 2py और 2pz जो है मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा अकॉर्डिंग टू दी हंड्स रूल, इसके अंदर दो नहीं पुट करूँगा, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर, और ये ज़ीरो। तो ये मेरे पास कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन 7 है तो 1s, 2s, 2px, 2py एंड 2pz, दो इसके अंदर, दो इसके अंदर, कितने हो गए, ये हो गए चार। अब पीछे बचे तीन, तो मैं दो इसके अंदर पुट नहीं कर सकता क्योंकि हंड्स रूल कहता है कि डीजनरेट के अंदर एक एक करके आपने सेम स्पिन से पूरे करने हैं। तो ये तीन पूरे हो गए, तो ये नाइट्रोजन की मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी। सिमिलरली नियॉन 10 है, अगर नियॉन 10 को आप देखें तो 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz। अब इसको अगर आप देखें तो आपके पास तमाम की तमाम जो उनसे रूल्स हमने पढ़े हैं वो फिलअप हो रहे हैं। पहला रूल था अफबाउ प्रिंसिपल, उसने कहा कि अरेंजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी होना चाहिए। तो आप अगर इसको देखें तो इस तरह एनर्जी बढ़ रही है, तो पहला रूल हमने फॉलो किया। दूसरा रूल ये स्पिन वाला था कि एक के अंदर ऑपोजिट स्पिन होगी, तो अभी जब हम फुल करेंगे तो ऑपोजिट स्पिन आपको नज़र आएगी। इसके अंदर अगर मैंने दो लिखा है तो वो दो इसी तरह ही है ना, दे उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट है। तो अभी यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो हो गया। और तीसरा जो हंड्स रूल है वो भी हमने ऊपर भी देखा है, यहाँ पे दोबारा देखें, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, चार हो गए, पीछे बटे बचे छः। तो मैं दो इसके अंदर पहले पुट नहीं करूँगा, मैं डीजनरेट हंड्स रूल जो कहता है कि सेपरेट ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक पुट करो और अब जो बच जाए फिर उनको वापस आके इधर पुट करो। तो ये अब मेरे पास इस तरह से 10 जो हैं वो पूरे हो गए नियॉन के। तो ये तीनों रूल्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एटॉमिक नंबर की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, चैप्टर नंबर 5 का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने तमाम चीज़ों को खासी डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम जब हम अब अपना चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे तो उसमें हम बॉन्डिंग और तरह की चीज़ें देखेंगे। तो दिस वॉज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फर्स्ट ईयर्स केमिस्ट्री।